ये पीस कर लगा लूँगी अच्छी तरीके से। टोनर से क्या हमारी स्किन एडिड होती है, जो हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, तो टोनर लगाना ज़रूरी है मेकअप के लिए। उसके बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। ये हिमालय का मॉइस्चराइजर है, इसको मैं लगाऊँगी क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो उसको लगाना बेहद ज़रूरी है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी। इसके बाद तो मेरा लिप बाम आता है, ये भी हिमालय का है, तो मैं अपने होठों पर इसको लगा लूँगी जिससे कि मेरे होठ भी मॉइस्चराइज हो जाए। और इसके बाद आता है प्राइमर। प्राइमर लगाने से क्या हमारी स्किन जो ओपन पोर्स होते हैं ना वो क्लोज हो जाएंगे और मेकअप अच्छी तरीके से स्टे हो जाएगा। इसको मैं एक से दो मिनट तक अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मसाज देकर लगा लूँगी जिससे क्या है मेरा मेकअप अच्छी तरीके से टिका रहे। इसके बाद आता है मेरा फाउंडेशन मेबेलिन का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, इसका 1-2 कोट लेकर अपने फेस पर अप्लाई करना है और बीटिंग ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। तो ये जो फाउंडेशन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मतलब इसको लगाने से ऐसा नहीं पसंद आने के बाद ये बहता है, ये कुछ भी नहीं है। और ये फाउंडेशन मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाला फाउंडेशन ज़्यादातर वीडियो में यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो ये फाउंडेशन ये लगा लिया। इसके बाद आता है कंसीलर। कंसीलर मैं अपने जो डार्क सर्कल है और जो मेरे धब्बे हैं ना फेस पर उस पर लगा दूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लूँगी और जिससे कि वो मेरे दाग धब्बे या डार्क सर्कल जो छुप जाए अच्छी तरीके से छुप जाए। और जो हाईलाइटेड एरिया है ना उस पर मैंने कंसीलर लगा लिया है। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर से जो मैंने कंसीलर और फाउंडेशन लगाया ना उसको सेट कर लूँगी जिससे कि कोई फेस पर लाइनिंग ना बने। इस तरीके से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी। और ये मेरा आता है आई शेडो, इसमें मैं अपने आईब्रो को अच्छी तरीके से फिल करूँगी। ये हुडा ब्यूटी की आई शेडो किट है, इसमें ब्लैक कलर है जिसमें मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। मेरी ये आईब्रो फिल हो गई है, जो ब्लैक पाउडर है ना आई शेडो किट में उससे मैंने अपने आईब्रो को फिल कर ली है। अब मैं ये हुडा ब्यूटी के आई शेडो किट से एक अपनी फेस लाइन बनाऊँगी जिससे कि मेरी जो आँखों का जो मेकअप है ना अच्छी तरीके से हो जाए और वो क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए, तो इस तरीके से मैं क्रीज लाइन बना लूँगी। तो मैं ना अपनी दोनों आँखों पर बना लूँगी और फिर मैं मेकअप कर दूँगी। तो देखो जो हुडा ब्यूटी की जो पैलेट है ना ये मतलब बहुत अच्छी है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। और इसके जो शेड है ना वो क्रीमी है, ऐसे पाउडर में नहीं, क्रीमी क्रीमी है इसके शेड, और बहुत ही अच्छी पैलेट है। लाइनर लगाऊंगी, लाइनर मेरा लैक्मे का लाइनर है तो मैं इसको लगाऊंगी। ये मेरा आँखों का हो गया, अब मैं अपनी फेस कंट्रोल करूंगी, तो मैं इस ब्रश से अपनी फेस को हल्की सी कर लूंगी। अब मेरा आ गया ब्रश, अब मैं अपने फेस को ब्लशर कर दूंगी, मतलब ब्लशर लगा दूंगी चेहरे पर। इस तरीके से मेरा ब्लशर लग गया। अब आता है इसके बाद तो फिश लिपस्टिक का हाईलाइटर, इसमें 4 शेड है तो मैं चारों को मिक्स करके लगा लेती हूँ। इस तरीके से मेरा हाईलाइटर लग गया फेस पर, कुछ ज़्यादा हाईलाइटर की जरूरत होती है ना हाईलाइटर लग गया। अब मैं काजल लगा रही हूँ, ये मेरा लैक्मे का काजल है और ये काजल बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से मैं अपना काजल लगा लेती हूँ। अब मेरे आगे लिपस्टिक है, माइग्लेम की लिपस्टिक है, इसका कलर बहुत ही सुपर कलर है, तो आप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये मुझे 99 की पड़ी है, तो इस तरीके से मैंने ये लिपस्टिक ली है और इसका कलर है ना ज़्यादा लगाने में परेशानी नहीं, हाली मतलब हाली लग गई है।